हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर जो आपके एचडीएफसी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। नॉट ओनली इन एचडीएफसी इंटरव्यू बट आपके किसी भी बैंकिंग इंटरव्यू में या फिर आपके जो पर्सनल बेस्ड क्वेश्चंस है वो तो आपको किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी आने वाली नई अपडेट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो इंटरव्यू होता है बेसिकली दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस और दूसरा होता है आपका जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा आता है आपका जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, या तो जब बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस से। तो इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही करता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, आपको ज़्यादा लेंदी नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट का, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, उसमें आप क्या बताएंगे, सबसे पहले अपना नाम, आपके क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंस अगर कोई है, या फिर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अपनी पास्ट कंपनी के बारे में बता सकते हैं, जहाँ भी आपने जॉब किया है, रीज़न बता सकते हैं कि आपने किस वजह से वो रीज़न छोड़ा, या फिर सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपकी हॉबीज़, इसके बाद आता है आपका फैमिली वाला पार्ट, जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स कितने हैं आपके घर में, वो सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहले से प्रिपेयर होके जाना है आपको। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, आपको अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए। अगर इंटरव्यू ने डायरेक्टली क्वेश्चन कर लिया कि चलिए 3 स्ट्रेंथ बता दीजिए अपनी, और आप उस टाइम पे जब आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे तो वो चीज़ अच्छी साउंड नहीं करती है। इसके अलावा आपके फेलियर्स या आपके अचीवमेंट्स और उनसे आपने क्या क्या सीखा है, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देकर चलना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका व्हाई डू वी हायर यू। ठीक है, मेन क्वेश्चंस, मेनली ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपसे। तो इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी है, क्या ऐसी स्ट्रेंथ है, क्या ऐसी यूनिकनेस है आप में जो आपको औरों से अलग करती है, आप किस तरीके से उस पोस्ट पे फिट बैठते हैं, वो चीज़ इसमें आपको बोलनी है। इसके अलावा अगर आप हायर हो जाते हैं तो आप किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करेंगे, वो चीज़ भी आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन आता है वो बेसिकली आता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। आप 5 साल में, 5 साल के आगे, मतलब अगर मैं बात करूं आज से 5 साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी पहले से आपको प्रिपेयर होना चाहिए, अपने दिमाग के हिसाब से लगाना है कि आपको कि हाँ, हमें 5 साल के बाद मैं खुद को यहां देखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो देखिए बेसिकली सबसे पहली चीज़ मैं बताती हूँ, आप जब कभी भी किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, उस जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आप बैंक के लिए जा रहे हैं, अगर सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया HDFC का फुल फॉर्म बता दीजिए, या कब स्टैब्लिश हुई थी, या उसके फंक्शंस क्या हैं, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से आपको उसको पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, HDFC की अगर मैं बात करूँ तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC बैंक की फुल फॉर्म है। इसके अलावा 1994 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, बाय हसमुख भाई पारेख। इसके अलावा जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो बेसिकली लोन्स प्रोवाइड करना है, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी बैंकिंग, लोन्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, 2-व्हीलर लोन्स, पर्सनल लोन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। जो करेंट CEO का डायरेक्टली पूछते हैं कि करेंट CEO बता दीजिए, तो करेंट CEO जो है वो मिस्टर शशिधर जगदीशन, ये आपको पता होना चाहिए। करेंट CEO, ये सारे नाम आपको बताना चाहिए, किसने स्टैब्लिश किया था, कब स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा आते हैं आपके बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू
बैंक, जब आप बैंक में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो उसके आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है। आप जब जॉब कर रहे होंगे तो आपको आए दिन नए नए टर्म्स सुनने को मिलेंगे, तो उसके बारे में आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या किस तरीके से डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है सारे अकाउंट्स में, वो चीज़ें भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, आपका प्रोविडेंट फंड, आपका रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। विद द लॉक इन पीरियड्स, यानी कि कितने दिन के लिए ये एफडी वगैरह होते हैं, कितने दिन के लिए आपने करवाई है, विद इंटरेस्ट रेट्स एंड प्री मेच्योर विड्रॉल्स। अगर आप टाइम से पहले उस एफडी को तोड़ देते हैं, विड्रॉल पहले कर लेते हैं टाइम से पहले, तो उसके क्या क्या सीन रहते हैं, उसके बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स, या फिर आप किस तरीके से, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस तरीके से एक रिलक्टेंट कस्टमर को, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है खास आपके बैंक में, आप किस तरीके से उसको कन्विंस करेंगे टू चूज HDFC एज देयर प्राइमरी बैंक, ठीक है। तो आपको उसके लिए एक ऐसा कन्विंसिंग आंसर देना है कि हाँ, मैं सामने वाले को कन्विंस कर सकता हूँ अपनी बातों से, एक सामने वाले को कन्विंस कर सकता हूँ कि जब वो इंटरेस्टेड नहीं है अकाउंट खुलवाने के लिए, उसके बावजूद भी उसके कुछ ऐसे एडवांटेजेस आपको बताने हैं कि सामने वाला कन्विंस हो जाए, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स किस किस कितने कितने कमर्शियल बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो किस तरीके से डिफरेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक से, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ग्रॉस एंड नेट सैलरी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप बैंक में जा रहे हैं तो आपको रेट्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। आप किस आपका आप बैंक में जा रहे हो तो आपको रेट्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। आपका करंट रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, CRR, SLR, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। जब भी आप ये पता है, आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी एग्ज़ाम की, या फिर आप जब इंटरव्यू की पहले प्रिपरेशन करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत बेसिक टर्म्स होती हैं, जो सबसे पहले आपको सिखाई जाती हैं। सारी चीज़ें आप जब पढ़ना शुरू करेंगे थरली, तो आपको सबसे पहले यही टर्म्स देखने को मिलेंगी। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, या आपके रिलेटिव्स के लिए, या आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए, और उम्मीद करती हूँ आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करेंगे ताकि हम आगे ऐसे ही नई नई अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपको होपफुली कहीं ना कहीं काम आए। थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपको होपफुली कहीं ना कहीं काम आए। थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक